हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुवारिया व्लॉग्स। आई एम सो हैप्पी एंड थ्रिल्ड टू मेक दिस एपिसोड फॉर यू ऑल एंड आई वांट यू टू वॉच फुल व्लॉग, एंड तक देखना है गाइस। आज मैं जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल इवेंट के लिए जो कि मेरी लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ है। पहली दफ़ा भी होती हैं चीज़ें, पहली दफ़ा जो चीज़ें होती है बहुत खास होती है इंसान के लिए, तो वैसा ही खास दिन है आज मेरे लिए। मेरी लाइफ में आज जो होने जा रहा है वो पहली बार होने जा रहा है। आई एम सो हैप्पी, आप देख सकते हैं मेरी एक्साइटमेंट लेवल मेरी वॉइस से ही पता चल रहा होगा। सो यस, यहाँ पे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे जाना है साकेत मेट्रो से निर्माण विहार मेट्रो तक। चलते हैं, और यहाँ पे मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे करूँगी, कैसे होगा, यू नो सो मच थिंग्स, लाइक 100 things रनिंग इन माई माइंड राइट नाउ। सो यहाँ पे मैंने राजीव चौक से चेंज किया है और यहाँ बस आगे बढ़े जा रही हूँ। ऐसा हो रहा है कि जल्दी पहुँचूँ, और ऐसे हो रहा है कि पहुँचूँगी तो कैसे करना है, क्या करना है। एक मोमेंट ऐसा हो रहा है कि जल्दी पहुँच जाऊँ, एक हो रहा है कि कैसे हो गए, यू नो समझ पा रहे हो आप, बहुत ज़्यादा चीज़ें, मिक्स चीज़ें चल रही हैं, एंड यू नो बटरफ्लाइज फ्लाई कर रही है मेरे स्टमक में। सो यहाँ पे मेरी मेट्रो आ चुकी है और मेरे को सीट मिल गई, मुझे लास्ट पहले वाले स्टेशन पे नहीं मिला था, यहाँ मुझे सीट मिल गई, इस बात की खुशी है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज जो भी होने वाला है, वट एवर इज गोइंग टू बी हैपन टूडे इज गोइंग टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम माई लाइफ इन तनुहारियाज लाइफ। And yes, I'm going and going, reaching to my destination. So here it is, my destination, the Fly International Air Hostess Training Institute in Delhi. Thank you. इसी के साथ मुझे पता लगता है कि मेरा एक फॉर्मल इंटरव्यू होने वाला है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट के साथ, तो भैया मुझे लेकर जा रहे थे कैबिन की तरफ। सो यहाँ पे हमने एंट्री करी, सो यहाँ पे मेरा एक फॉर्मल इंटरव्यू हुआ है यहाँ मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट से, एंड उसके बाद अब मेरे को डायरेक्टली क्लास में जाना है और अपना सेशन स्टार्ट करना है। मैं वेरी एक्साइटेड जय माता दी। चलो सस्पेंस को खत्म करते हैं और आप लोगों को बताना चाहती हूँ दैट आई एम इनवाइटेड हियर एज अ ट्रेनर, एज अ कोच फॉर स्टूडेंट्स ग्रूमिंग क्लासेस। यस यस यस, यू हर्ड मी राइट। मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया दिन था जहाँ पे मुझे अपने स्किल्स, अपने टैलेंट को दिखाना था, और जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ उस चीज़ को एक प्लेटफॉर्म मिला था। ओ माई गॉड, इट वॉज अ बिग 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 डे ऑफ माई लाइफ। आप देख सकते हो सारा रूम पैक्ड है वहाँ पे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स थे एज एन स्टूडेंट्स जिन्हें मैंने क्लास दिया, एंड वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स थे उन्होंने भी पूरा क्लास ज्वाइन किया एंड एंजॉय किया। तो आपका जैसा नॉर्मल स्किन है एकदम से आप स्टार्ट करोगे, फाउंडेशन लगाना स्टार्ट किया आपने तो एकदम से वो बहुत ज्यादा रफ, पैची ऐसे लगने लगेगा, तो अच्छे से ग्लाइड करें आपकी स्किन पे, ऑल्सो आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिले, हम मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं। एडवांस मेकअप मास्टर क्लास बाय तनु आर्या, ओ माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, आई कांट इमेजिन, सुनकर बोलकर इतना अच्छा लगा है, ओ माय गॉड। मेकअप सेशन की बात करें तो हमने स्किन केयर एंड मेकअप जैसे टॉपिक्स को कवर किया। हमने स्किन केयर में डिटेलिंग में बात किया CTM पर, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, एंड किस तरीके की स्किन टाइप्स होती हैं यूजुअली, जैसे कि ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन एंड नॉर्मल स्किन। सो किस तरीके के स्किन पे आपको किस तरीके का मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ड्राई में आपको मिल्क क्रीम एंड ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर ही अप्लाई करना चाहिए, ऑयली स्किन में आपको जेल फॉर्म एंड वाटर बेस्ड ही मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा मैंने मेकअप पे बात किया, क्या क्या स्टेप्स होते हैं मेकअप को करने के, नॉर्मल स्किन में किस तरीके का मेकअप जाता है, एंड प्रॉब्लमेटिक स्किन पे आप कैसे वर्क कर सकते हो, इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया, एंड मैंने उनको सारी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाई, थ्योरिकल प्रैक्टिकल दोनों ही तरीके से मैंने बच्चों को फुल ऑन नॉलेज प्रोवाइड की, साथ ही साथ बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी हमारे हुए जिसमें उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पुट अप किए, एंड साथ ही साथ कि बोरिंग ना हो जाए मेरा भी सेशन है, मैं बच्चों के साथ काफी इंटरेक्शंस करी थी और उनसे क्वेश्चन पुट अप करी थी ताकि एक इंटरेस्ट बना रहे, कनेक्टिविटी बनी रहे। आज मुझे वो बात याद आ रही है, किसी ने क्या खूब कहा है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। इसका मतलब आप कभी रुकिएगा नहीं, आपने जो भी करना है अपनी लाइफ में बस आप करते चलो और आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में कुछ भी हासिल करने के। आज मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मेकअप क्लासेस देना या मास्टर क्लासेस देने जैसी चीज़ें हमेशा से मेरे ड्रीम लिस्ट में मेंशन है। यस, आई विल डू दिस इन माय फ्यूचर, ऐसा मैंने कहा था अपने आप को किसी मोमेंट पे, और आज जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने अपने कदम बिल्कुल भी पीछे नहीं लिए, विद कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ मैंने परफॉर्म किया आप देख सकते हो, एंड यस
अपने स्किल्स को ऐसे दिखाने का मौका मुझे मिला. ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था और बेस्ट डे भी था, बिकॉज़ मैं अपने आप को इतने अच्छे स्टेज पे देख पा रही थी जहाँ पे मैं हमेशा अपने आप को देखना चाहूँगी. आई हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम इन माई लाइफ जहाँ मैं अपने आप को बहुत ऊँचे दर्जे पे, बहुत अव्वल दर्जे पे देखना चाहती हूँ. तो ये बस शुरुआत है गाइज, आगे तो बहुत कुछ करना है लाइफ में. दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग गाइज, आई हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स इन माई लाइफ टू फुलफिल. बहुत सारे सपने देखे हैं और सारे सपने अपने हिस्से में लिखने हैं, बस सारे सपने पूरे करने हैं. योर चॉइस कि आप क्रीम ब्लश करना चाहते हो या फिर पाउडर ब्लश करना चाहते हो, बट यहाँ पे एक ट्रिक होती है कि आप जब वर्क कर रहे हो और क्रीम प्रोडक्ट यूज करें तो पहले पूरा क्रीम प्रोडक्ट यूज होगा, ओके, उसके बाद हम मूव करते हैं पाउडर प्रोडक्ट्स की ओर. और फिर हमने बात की मेकअप में हैक्स एंड ट्रिक्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन एवर डूइंग अ मेकअप और डूइंग समवन एल्सेस मेकअप. तो हैक्स एंड ट्रिक्स बहुत काम आती हैं, तो हमने उन छोटी छोटी चीज़ों को भी कवर किया. यूज ब्लेंडर हो रहे हैं, ओके गाइस, ओके मैम, ब्लश देना चाहते हैं पाउडर भी करेंगे. ये आप इस केस में कर सकते हैं जब आपको चाहिए कि आपको जो पिगमेंट है बहुत अच्छे से दिखे, पिगमेंट इन द सेंस जो कलर्स है वो एग्जैक्टली दिखे और लॉन्ग लास्ट रहे. प्रोडक्ट और क्रीम प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाऊंगी स्किन पे, ठीक है? तो सारे हमारे क्रीम प्रोडक्ट्स का जो भी यूज होता है वो क्या होता है, पहले हो जाता है, उसके बाद हम. मैम ऐसा क्यों, ऐसा क्यों आप ट्राई करके देखो पहले. मैम क्रीम प्रोडक्ट आपने करा अभी, फॉर एग्जाम्पल मैं पाउडर से सेट कर लूंगी और मुझे लगता है कि मैंने जो क्रीम प्रोडक्ट किया हुआ है वो कम है, उसकी एप्लीकेशन मुझे लेस लग रही है, मैं उसको रीअप्लाई करूंगी क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पाउडर आ गया. मैं क्रीम का यूज करूंगी वो फटने लग जाएगा, फ्लेकी हो जाएगा, आप समझ रहे हैं? तो आपको बिगाड़ना नहीं है, इसीलिए पहले सारी क्रीम प्रोडक्ट्स का यूज होता है एंड देन पाउडर का, ओके, दैट इज क्लियर? यस मैम. और क्यों होता है वो भी क्लियर हो गया. यस. अब आपने एक और, हाँ जी बोलिए. मैम अगर पाउडर ब्लश का यूज करेंगे तब भी हमें ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना होगा? हाँ, इट्स अप टू यू. अगर आपको मन, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, बट जो फिनिशिंग अच्छी आती है वो आपकी ब्रश से ही आती है. शेप मैटर करती है ना जब आप वर्क कर रहे हो मेकअप का. तो अब आपने देखोगे अंडरलाइंस आ जाती है, जैसे कि मेकअप हमने कर दिया. लाइफ में सब कुछ पाना मुमकिन है जब आपका मन पक्का हो और आपका मन सच्चा हो. सबसे पहले तो आपको खुद को पता होना चाहिए ना कि आपको लाइफ में करना तो करना क्या है. आधे से ज्यादा केसेस में लोगों को खुद को ही नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए लाइफ से. हाँ, मैं मानती हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें करना तो होता है बट उन्हें ये नहीं पता होता कि वो क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स कैसे सेट करें, चूज करें किस फील्ड में जाएं. सो सबसे इजी तरीका होता है कि आप अपने इंटरेस्ट देखो, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है. फॉर एग्जांपल, आई लाइक टू डू मेकअप, तो मुझे इस फील्ड में आना अच्छा लगता है. लोगों से भी मैं सारी चीज़ें करवाने वाली हूँ, उसे ध्यान से सबसे जिसको नहीं आएगा उसको मैं हाथ पकड़ के करवाऊंगी, उसको मैं हाथ पकड़ के करवाऊंगी, डोंट वरी. बट स्टिल आप सबने इतने ध्यान से देखना है कि आप लोगों ने करनी है ये चीज़ें. सेटिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेकअप को फिक्स करने के लिए, ताकि वो लॉन्ग लास्ट करे. क्यों करते हैं? ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट करे. मेकअप की बात करूँ तो मेकअप करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो ही यू विल गेट द रिजल्ट्स एज यू वांट. ऐसा नहीं होता है. आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स के साथ भी बहुत अच्छी लुक्स क्रिएट कर सकते हो. मेकअप में इंपॉर्टेंट होता है आपकी टेक्निक, आपकी एप्लीकेशन एंड आपका टूल. सो ये कुछ तमाम चीज़ें हैं जिनका आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन क्रिएट कर सकते हो. मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस. जितना आप प्रैक्टिस को टाइम दोगे उतना ही आप अपने आप को एंड अपनी स्किल्स को पॉलिश करोगे, इनहेंस करोगे. बोरिंग तो नहीं लग रहा? अच्छे से बता रही हूँ मैं. समझ आया मेरी बात? कर दो वहाँ पे, उसके बाद ब्लेंड करेंगे. तो ये हमने आज जो लुक है बहुत डिसेंट, बहुत क्लासिक लुक ही है. तो आप डिफरेंट डिफरेंट लुक्स ट्राई कर सकते हो. तो ये हमारी पहली लुक थी आज की, कैसी लगी? वेरी नाइस. आप लोग ट्राई करना चाहोगे?
एक्सपीरियंस, ओह माय गॉड, आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड सच थिंग्स, ओह माय गॉड, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली हैप्पी. That same evening. आ गई हूँ मैं घर और अब मुझे रिलैक्स करना है. Just wanna tell you about my day. मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था. एडमिशन लेने में मुझे बहुत मजा आया. मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए. स्टूडेंट्स बैठे थे वहाँ, हम बैठा हुआ करते थे और लेक्चर लेते थे. हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स, रिमाइंड हो रही थी मेरे माइंड में वो सारी चीजें दोबारा से, क्योंकि आज मैं उस स्पेस पे थी जहाँ पे मैं एज अ टीचर, एज अ कोच, एज अ ट्रेनर उन लोगों को गाइड कर रही थी, उन लोगों को समझा रही थी, चीजें बता रही थी एंड मेरे आगे स्टूडेंट्स थे. बहुत अच्छा लगा वो मोमेंट. ऐसे कहते ना, दिन बदलते हैं, तो इट वॉज रियली स्पेशल यार. मुझे अपने टीचर्स की याद आई कि किस तरीके से हम पहले एज एन स्टूडेंट जाया करते थे और हमारे को हमारे प्रोफेशनल्स पढ़ाया करते थे, और आज मैं एज ट्रेनर वहां गई हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बता रही हूँ. एंड यस, इट वॉज रियली नाइस. थोड़ा सा थ्योरिकल वर्क कराया जिसमें मैंने स्किन केयर के बारे में चीजें बताई. उसके बाद हमने मूव ऑन किया प्रैक्टिकल थिंग्स पे, जहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया उनको पूरा हाउ टू डू मेकअप इन फीमेल एंड मेल एज वेल. इस तरीके से पूरा सेशन हमने कवर किया. चीजें आपने देखी भी व्लॉग में. और लास्ट में उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल सा जेस्चर दिखाया जिसमें उन्होंने मुझे बूके दिया और वहां पे पूरा स्टूडेंट्स के साथ पिक्चर. चीजें इतनी सारी है ना बताने को, बट ऐसे बोल नहीं मैं पा रही हूँ. आई थिंक आई एम ओवरली एक्साइटेड. I just want to say thanks for watching my vlog as you always watch. Thank you guys. सभी मेरे vlogs देखते हो इसीलिए मैं इनको बनाती हूँ. और I do appreciate your efforts that you like my videos, you share my videos, and yes, I am happy with your responses and I'm getting more subscribers and I want more and more and more for future. But मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ उन्होंने मुझे ये दिया. बहुत ही ब्यूटीफुल जेस्चर था उनके साइड से. ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है और आपको अप्रिशिएट किया जाता है. सो हैप्पी, दिस वॉज माय बेस्ट डे. स्मेल्स रियली नाइस.